झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपाई सोरेन को लेकर के जो सियासी एक सस्पेंस था उस पर तो अब विराम लग गया है। बता दें कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। एक और नेता की झारखंड से चर्चा है जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब बता दें कि पिछले दिनों लगभग आपसे एक महीने की बात करें, एक महीने पीछे की बात करें, मानसून सत्र से पहले उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई, वो भी दल बदल के मामले में। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए रहे हैं हमारे साथ लोबिन हेमरम है जो फिलहाल पूर्व विधायक हैं। दादा, कोल्हान टाइगर तो चले गए, वो तो 30 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, आपका क्या है? हम भी तो ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पहले से बोल रहे थे कि ज्वाइन करेंगे, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो कब ज्वाइन करना है दादा, आपकी भी तिथि का कुछ हो गया? नहीं, चंपाई जी से बात हुई है, फिर कल आएंगे, कल भी बात करेंगे और बुलाई के लिए हम लोग साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब 30 अगस्त को ये माना जाए क्या? जी एकदम 30 अगस्त का भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, पार्टी से इतनी क्या नाराजगी हो गई दादा? क्यों नाराजगी नहीं होगी, हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? आज हम सदन के अंदर में क्या गलत बात बोले हैं? सरकार ने जो वादा किया था उसी को हम उसको आईना दिखाते रहे, उसको याद दिलाते रहे, तो हम ही बुरा हो गए, हम ही मैंने पार्टी का दुश्मन बन गए। अरे जो चीज़ आप बोले थे वही चीज़ आपको आप याद दिला रहे थे, और वो चीज़ अगर आप करते तो आपको 24 साल तक कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो यहाँ उल्टा हो रहा है। सही बात बोलना ही गुनाह है इस सरकार में, इस पार्टी में। मैंने सरकार के खिलाफ बोलने का, सरकार कहाँ खिलाफ कैसे कहा जाए, कहाँ खिलाफ बोले हैं? उन्होंने जो बोला था, मतलब वो उन वादों को आपने याद दिलाया, वही मैं याद दिलाया, तो वही हम इसीलिए हम खराब हो गए। मतलब अपने ही सरकार के वादे को याद दिलाने के चलते आपको? जी, यही स्थिति हमारा हुआ है। आपकी विधायकी जिस तरीके से निरस्त हुई, दो दिनों के अंदर में दल बदल का मामला हुआ, आपको तो आरोपी भी बना दिया गया। ये तो जानबूझ के प्लानिंग में मैं लोग किया है कि क्योंकि सदन में फिर ये बात उठाएगा, लास्ट सदन है, इसलिए लोगों ने इस बात को उठाएगा, इसलिए उसी के पहले इसको हटाओ यहाँ से। तो सरकार के खिलाफ आप जो मुखर थे इसलिए आपकी विधायकी बेस यही है और कुछ नहीं। आप भी बीजेपी का दामन, अरे फिर हमारी तरह वो आपका चमरा डिंडा भी लड़े, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे पार्टी का संविधान तो एक तरह का होता है ना, दो तरह का तो नहीं होता, तो इसे और क्या समझिएगा। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से आपकी भी बात हुई है? केंद्रीय नेताओं से बात हुई है, अभी जो हेमंत विश्व शर्मा से भी बात हमारी हुई थी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं ठीक है, अच्छी बात है, और इधर प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई है, और लोगों से भी बात हुई है, लेकिन कल तक में पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी में आप जा रहे हैं ये आप? जी, कल पार्टी की तरफ से भी कल शाम तक में या नहीं तो कल दिन में सारा चीज़ पटाखंड हो जाएगा। एक चर्चा ये भी है कि और भी कई नेता हैं जो जेएमएम में नाराज हैं, वो बीजेपी के या दूसरे दल के संपर्क में? नाराजगी तो है, नाराजगी है, और हमने मीडिया में पहले भी बोला है कि लोग बहुत घुट घुट के जी रहे हैं पार्टी में, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे हैं, उनको डर है कि हम अगर बोलते हैं सही चीज तो हो सकता है टिकट कट जाए, और ये तो किस बात का डर है। और ये भी डर है लोगों को, अगर हम लोग नहीं बोलते हैं तो फिर हम लोग को पब्लिक के बीच में जवाब देना पड़ेगा, ये भी उन लोगों को डर है। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या अब इस तरीके की स्थिति होगी कि एक व्यक्ति का चल रहा है और वहां पे अब डर के माहौल? एकदम एक व्यक्ति का चल रहा है, और एक व्यक्ति के साथ में जो चलाने वाले लोग हैं, जो जैसा जो पार्टी के अगल बगल में जो लोग हैं, मुख्यमंत्री के अगल बगल में जो राज्य शुरू से आप बोलते रहे, उन्हीं लोगों को चलती है। अभी यहाँ पर एक भी जिला में आप ऐसा आदमी का आप नहीं बता पाएंगे जो शुरू से आंदोलन कर ही रहा है, लेकिन आज तक उसको सम्मान नहीं मिला। बहुत लोग इस आंदोलन में शहीद भी हो गए, लेकिन उसके परिवार को आज तक कोई देखने नहीं गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, आप लोग धीरे धीरे सब कुछ समझ रहे हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आंदोलन से हट गया, और इसका जो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी वो उसे ट्रैक से बाहर हो गया। जेएमएम के लोग तो ये कह रहे हैं कि जो जेएमएम छोड़कर जाते हैं, उस पार्टी को छोड़कर जाते हैं, वो खुद अपना राजनीतिक नुकसान करते हैं।
जिसका नुकसान नुकसान हुआ, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग यही समझ रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही झारखंड मुक्ति, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग क्या बिगाड़े थे बताइए। आज हम लोग शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़ाई लड़े हैं, पार्टी को कैसे कैसे किसी चाहे हम लोग कैसे इसको बड़ा किया है, तो हेमंत सोरेन को इसको थोड़े पता है कि ये लोग क्या आंदोलन किया है, कैसे संघर्ष किया है। तो इसलिए दुख भी लगता है कि इतना संघर्ष करने के बाद, इस पार्टी को खड़ा करने के बाद आज ये दुर्गति हो रहा है। अभी हमारे माननीय गुरुजी अपने आके सामने देख रहे हैं कि अभी जीते जिंदगी वो देख रहे हैं कि क्या असर होने वाला है इसका। चंपाई सोरेन, लोबिन हेमराम और ऐसे कई विधायक हैं दादा, आप अगर बताना चाहें और कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कितनी संख्या हो सकती है उनकी, अगर संख्या में बात करें कितनी संख्या हो सकती है? देखिए जो विधायक है, जो पूर्व विधायक है, कुछ जिला अध्यक्ष लोग ऐसे है, लोग बहुत लोग हैं। मैंने अभी टूट होगी, टूट होना तय है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्राइबल नेता जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आ रहे, तो वोट बैंक भी शिफ्ट होगा। एकदम शिफ्ट होगा। आप लोग को टिकट का आश्वासन मिल गया है? टिकट तो बिना टिकट का हम लोग कैसे, तब जाकर खाली ज्वाइन करके क्या करेंगे? तब वो तय हो गई है बातें, एकदम तय है। 30 अगस्त को लोबिन हेमराम ही ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी, ये थे हमारे साथ लोबिन हेमराम, जो अगर पहले की बात करें तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता के रूप में इनकी पहचान थी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने स्वयं भी कहा कि इनकी जो पिछले दिनों विधायकी को रद्द किया गया दल बदल के मामले में, कहीं ना कहीं उससे लेकर ठेस हुई है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि सरकार को, अपनी ही सरकार को उन वायदों को याद करवाना जिन वायदों को लेकर के वो सत्ता में आई थी, ये भी इनके लिए व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ। पार्टी में इनकी नहीं सुनी गई और पार्टी में एक व्यक्ति की चलती है। अब चंपाई सोरेन जी के साथ साथ ये इनका भी दावा है कि 30 अगस्त को ये भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।